अपनी गाड़ी अनलोड के लिए लगा दिए, अभी देखेंगे कब तक अनलोड होती है। चलो भाई नाश्ता करने आए, ये राइट तो उसका पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। तो मैं रेलवे फाटक था यार वो बेंगलोर सिटी में, अभी तिल पर दो तीन जगह फट गया यार। ये देखो ये रस्सी कैसे हो गई, देखो ये पाइप नीचे चला गया, वो आपको झूम करके दिखाता हूँ। 78 किलो, अरे कब होगा यार इतना आवाज मेरा। तो फाइनली भाई हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अपनी गाड़ी अनलोडिंग के लिए लगा दिए, अभी बज रहे हैं, अभी देखेंगे कब तक अनलोड होती है। वो माल सेट कर रहे हैं, जगह कर रहे हैं माल रखने के लिए। ये ऑफिस है बेंगलोर में, मेन सिटी में भैया। तो हम यहाँ पर रात को ही आके रुके थे। ये देखो जहाँ गाड़ी लगी ना भाई, वहाँ पे मस्त एक गार्डन है, मस्त अभी नाश्ता वगैरह करके एक गार्डन में आके बैठ जाएंगे, एक नंबर है भाई। ये देखो अपना क्लीनर गो टू, रोड के साइड में चिपका के लगा दिए भाई गाड़ी, गाड़ियाँ आ जा सकती है यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो फिर देखते हैं अभी अपनी गाड़ी कब तक अनलोड होगी। तो नाश्ता वगैरह करके आते हैं। ये देखो भाई ये हमने ये भरा था ना, ये गुलाब जामुन है और रसगुल्ले, आपने नहीं क्या दूध का बनते है गुलाब जामुन और रसगुल्ले, इसके बॉक्स है यहाँ पे लगा है भाई गाड़ी अपनी। चलो चलते हैं नाश्ता करने, देखें भाई यहाँ पे क्या नाश्ता मिलता है। यहाँ पे क्या इडली सांभर आलू राइस वगैरह मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, अपने जैसे वड़ा पाव वगैरह कुछ नहीं मिलेगा महाराष्ट्र जैसा। तो देखेंगे क्या मिलता है खाने के लिए, क्या जो मिलेगा वो खाएंगे यार। ये सब अपना गैस वगैरह सब साथ में लेके आना था, भूल गया यार लेके आना, कैरेट वगैरह मैंने भर के रखा था तो लेके आना ही भूल गया। तो चलो देखते हैं अभी नाश्ता करने के बाद मिलते हैं भाई, नाश्ता करते भाई। नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं भाई, अभी यहाँ पे तो कुछ नाश्ता नहीं मिल रहा है। आगे इधर एक होटल है, होटल मैनेजमेंट, पर ये अपने लायक का नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा है। चलो भाई नाश्ता करने आए, ये राइट हमारा वो नाश्ता कर रहा है इधर, यहाँ पर बना था भाई। मेरा साउथ का डिशेज बहुत पसंद है यार मुझे, इसलिए मेरे को खाने में कोई दिक्कत नहीं रहती, मैं राइस रोज बोले तो रोज भी खा सकता हूँ भाई। नाश्ता किया है अभी, नाश्ता ऐसा हो गया है कोई बोलेगा नहीं ये नाश्ता था, बहुत खाया यार बहुत। मेरे को बोला ना साउथ इंडियन डिशेज मेरे को बहुत पसंद है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग बोलते हैं का ड्राइवर लोग की साउथ में खाने का बहुत परेशानी है भाई, मेरे को नहीं है परेशानी, मेरे को साउथ का डिशेज सब पसंद है। हमारा सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना साथ में होगा, इतना खाया मस्त है यार राइस नंबर एक का। साउथ में नारियल की चटनी जो रहती है ना सांभर चटनी, में एक नंबर बढ़िया रहती है, एक नंबर है। चल चल पड़े अपने गाड़ी के पास जा रहे हैं। मैं आए हुए विट्रांस का मटेरियल था ना लेके आया, ले जो लेके मटेरियल लेके आया था तो उसका पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। तो मैं अपना पेमेंट भी पोस्ट का वही करेंगे, तो मैं जेरोक्स लाने के लिए जा रहा हूँ यार चेक का, उनका अकाउंट डिटेल इस पे लिख के दे रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहे हो, वो बोल रहे हैं हमें चेक का जेरोक्स ही चाहिए। जा रहा हूँ यार जेरोक्स, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हो गया पैदल चल रहा हूँ, जा रहा हूँ जेरोक्स ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, बहुत परेशान हो गए। ये पहुँच देने के कम मेरी गाड़ी 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया यार, अभी और जाने का 4 किलोमीटर, कम से कम 10 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा भाग रही है, क्या करें यार। गाड़ी वाले की सुनने वाला कोई नहीं है भाई, 10 किलोमीटर मेरा गाड़ी एक्स्ट्रा घूम रहा है, 5 के एवरेज से मेरा गाड़ी को 2 लीटर डीजल जा रहा है, तो 90 लीटर डीजल 180 रुपये मेरा खर्चा इधर ही हो रहा है।
प्लस के पॉकेट जरा दो, ये दो वो दो। अभी मेरे को ये बोलना है कि चेक का जेरोक्स कॉपी कौन रखता है? कोई नहीं रखता। जेरोक्स मिल गए भाई, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ यार। मैं भी जेरोक्स कम से कम एक दो किलोमीटर आ गए जेरोक्स लेने के लिए, और आपको पता है एक जेरोक्स 5 रुपये का, और मैंने व्हाट्सएप पे उनको प्रिंट भेजी थी, तो एक प्रिंट 30 रुपये का। भाई मेरे हिसाब से पूरे यूएसए, अमेरिका, कनाडा साइड में भी इतनी महंगी प्रिंट नहीं रहेगी। बाहर का आदमी थोड़ा देखा नहीं कि सब लोग लूटने के लिए बैठे हैं, तो जान दे यार क्या करेंगे, जो है वैसे तो जीना पड़ेगा। ठीक है चलो मिलते हैं, चल रहा हूँ 2 किलोमीटर जा रहा हूँ अभी। भैया ऑफिस में आया था वी ट्रांस के, देखो इधर ऑफिस से कुछ जब ये रिसीविंग लिए, वो उनको मैंने बोला यार मैं 2-3 किलोमीटर जाके 2 किलोमीटर गया 2 किलोमीटर आया, इतनी दूर से 4 किलोमीटर आके जेरोक्स के लिए इतना 4 किलोमीटर भागा। तो बोल रहा था यार वैसा नहीं है, हम पहले देते थे, पर किसी एक ड्राइवर ने क्या किया था कि 10 रुपये प्रिंट के लिए थे उन्होंने, उनको प्रिंट दिया था, और वो ऑफिसर को उसने बोला कि मेरे से खाली एक जेरोक्स के 100 रुपये लिए। तब से वो मैनेजर जो उधर बंदा बैठता है, तब से वो जेरोक्स बंद कर दिया गाड़ी वालों को देने का। यार एक आदमी की गलती के लिए कितने लोगों को भुगतना पड़ता है यार, ऐसा मत किया करो यार। निकलते हैं भाई, अपने साथ भी एक पोपट हो गया यार। ये अपना जो क्लीनर है ना कोटे, वो रेलवे फाटक था यार, वो बेंगलोर सिटी में तिल पर 2-3 जगह फट गया यार इसकी। ये अभी दूसरी गलती है यार, 2 बार ऐसा हुआ है। पिछली बार नागपुर में रेलवे फाटक पे ऐसा हो गया था, इसने देखा नहीं सही से, पूरा बहुत परेशान होता है यार ऐसा कुछ होता है। देखो ये रस्सी कैसे हो गई, देखो ये पाइप नीचे चला गया, वो आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो 2-3-4 जगह तिरपाल फट गया यार, अच्छा नया तिरपाल है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, क्या करे यार। वो जो गलती करनी है वो गलती करता है यार उसने, वो भैया गाड़ी धंधे में बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है यार। इधर थोड़ी भी थोड़ी छोटी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। ये देखो भाई इधर जेके वाले की एक गाड़ी खड़ी है जम्मू कश्मीर की, ये देखो ये तो बिल्कुल राजा भाई की गाड़ी की जैसी लग रही है यार, मस्त गाड़ी बनाई है। गाड़ी नंबर है नहीं यार, जेके नहीं है, एचपी वाली है, एचपी आके कहीं दो नहा दोगे, नहा धोने के बाद फिर निकल जाएंगे। गाड़ी लोड करना है यार टोमेटो, अभी ऑर्डर तो है नागपुर का, यहाँ से 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा अनंतपुर। भाई मस्त यहाँ पे अभी नहाए, ये देखो अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, होटल पे रुके थे, बस नहाए अभी, मस्त चाय वगैरह पियेंगे फिर निकल जाएंगे, सीधा निकल जाएंगे अनंतपुरा। ये अपना हाईवे मुंबई बेंगलोर हाईवे, होटल है अलंकार, यहाँ पे चाय पियेंगे भाई, अभी पीते हैं चाय भाई, देखेंगे कैसी टेस्ट इसकी। तो भाई भोजन कर रहा हूँ, 78 किलो 550, 78.5 किलो। अरे कब हो गया यार इतना आवाज मेरा, इतना नहीं था यार वजन, यार बहुत वजन बढ़ गए, काम का इतना टेंशन रहता है फिर भी वजन नहीं कम होता। डीजल डाल रहे हैं यहाँ पे, रेट है 88, लास्ट में 92 है, 93 है। भाई अपने गाड़ी में डीजल हो गया 12,776, 144 लीटर बैठा है। पहले डीजल बाकी था, तो अभी मैं आंध्रा में जाने वाला हूँ,
इसलिए मैंने कर्नाटक में टंकी फुल कर ली। आंध्र में डीजल बहुत महंगा है भाई, कर्नाटक में सस्ता है, इसलिए यहाँ पे टंकी फुल कर ली। चलो पेमेंट वगैरह करके निकल गए। फाइनली भाई निकल गए वहाँ से डीजल डाल के। रास्ते भी बढ़िया है, टोल नाके भी बढ़िया है। हमें यहाँ से एक 170 किलोमीटर है पावगढ़ा, पावगढ़ा से कल्याण दुर्ग हमें जाना है, कल्याण दुर्ग। चलो देखेंगे अभी कल कहाँ की लोडिंग होती है। अपनी गाड़ी तो अभी कल ही लोड होगी, इसलिए हम एकदम रिलैक्स जा रहे हैं। वहाँ जाके रुकेंगे और देखेंगे कल क्या प्लानिंग है लोडिंग का। एकदम सीधा खड़ा है भाई, सीधा है, देखो देख रहे हो एकदम सीधा। अरे इस पे तो चढ़ना भी मुश्किल है यार, पूरा एक ही पत्थर है। सीधा मधुगिरी 2 किलोमीटर रह गए भैया। भाई अभी रुकिए नाश्ता करने के लिए थोड़ा, यहाँ पे अंडर राइस अच्छा मिलता है कर्नाटक में, वही अंडर राइस खाएंगे। गाड़ी खड़ी की है यहाँ पे, बस देखो भाई नजारा, पहाड़ी पहाड़ बहुत जबरदस्त लगता है यार ये पहाड़, एक नंबर। ये देखो आंटी जी बना रही है अंडर राइस, ऐसे बनता है अंडर राइस। हाँ आंटी जी बना रहे, अंडा जी आंटी जरा मस्त तेज बनाइए। हाँ हमारा हमारा तेज बनाओ, तीखा 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 बनाओ। ये देखो भाई कैसे राइस खा रहे हैं, चलो खाते मिलते हैं। कैरेट भर रहे हैं, अभी यहाँ से जाएंगे खेत में, जंगल में, सॉरी जंगल में, इधर लोग जंगल में बोलते हैं। यहाँ से सीधा खेत में जाएंगे कैरेट लेके, वही गाड़ी लोड करेंगे। तो रात को हम 9:30 बजे पहुंच गए ऑफिस पे, वहाँ पे आके खाना वगैरह खा के सो गए। फिर रात को हम ब्लॉग नहीं उठा पाए क्योंकि बहुत नींद आ रही थी यार, अंधेरा भी पड़ गया था वहाँ पे, मतलब बहुत बोर हो गए थे, इसलिए मैं सो गए भाई। ब्लॉग उठा रहे, अभी यहाँ से अपना कंटिन्यू हो जाएगा। अभी आपको दिखाएंगे खेत में कैसे जा रहे हैं, कैसे टोमेटो लोड कर रहे हैं उसमें, और कैसे गाड़ी में लोड करेंगे, कितनी जगह पर। ये बोल रहे 3-4 जगह भरना है, देखेंगे भाई अभी कितनी जगह पर लोड करेंगे क्या मालूम। चलो तो मिलते हैं सीधा अभी खेत में। ये देखो ये कैरेट है, ये वाले कैरेट, ये वाले कैरेट अपने गाड़ी में लोड कर रहे हैं, हरे वाले। ये देखो इतनी गाड़ी भर चुकी है, आज लोडिंग चालू है अपनी गाड़ी। यहाँ पे गाड़ी लोड, ये देखो इधर डायरेक्ट भर रही है यहाँ से, तो मुझे लगता है रात को लाके माल रखा हुआ था इधर, सुबह लोड कर रहे हैं भाई। ऐसा लोड होना चाहिए यार, चटक पटक से यार ये खेत में जाने। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अभी खेत में।